आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय जम्मू के टैलेंट की सीरीज में मेरे साथ जुड़े हैं चमन लहरी, जो कि रियासी के रहने वाले और पिछले 10 साल से सिंगिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने परफॉर्म भी किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यंग बाइट्स के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चमन लहरी का सबको नमस्कार। चमन जी, जिस तरह से अगर डोगरी की बात की जाए तो डोगरी को लेकर भी आपने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया है, डोगरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया, उसके साथ साथ कई सारे गाने भी आप गाते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो डोगरी सॉन्ग ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मैं आपकी बात ये मैं पूरी करना चाहूँगा कि डोगरी को अगर हम लोग गा रहे हैं तो हम डोगरी को प्रमोट नहीं कर रहे, मतलब डोगरी किसी की प्रमोशन की मोहताज नहीं है, मैं ये कहता हूँ, है ना। कुछ लोग हैं वो थोड़ा बहुत टूटा फूटा काम कर रहे हैं डोगरी में, बात कहते हैं हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, हम डोगरी के ठेकेदार हो गए, फिर वो कोई संस्था बना के अपने आप ही उसके लीडर बन जाएंगे, हमें पता नहीं होता कि हमारा कोई लीडर बन चुका होता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है डोगरी की सेवा करना, वो हम कर रहे हैं और करना तो करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम डोगरी का सॉन्ग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रमोशन की तरफ एक कदम तो हम जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग जब हम सुनते हैं तो हमें वो समझ भी आती है, हम कहीं ना कहीं अपना शब्द जो है पंजाबी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम डोगरी सॉन्ग सुनेंगे नहीं, जिन्हें नहीं आती है वो ज़्यादातर अगर डोगरी का सॉन्ग सुनेंगे, कहीं ना कहीं जो भी कुछ है कहीं ना कहीं वो शब्द हमारे लफ्जों में जरूर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उसकी प्रमोशन की तरफ एक कदम ज़रूर है। डेफिनेटली ये तो है। अब पंजाबी को सिंगर को चीज़ गाते हैं, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि हम पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हर जगह पंजाबी बोली जाती है, गाई जाती है, सुनी जाती है। डोगरास अभी डोगरी को गा ही नहीं रहे हैं, ना तो लिरिक्स हमारे प्रॉपर है, पूरी डोगरी में नहीं है, ना ही हम उसको प्रॉपरली गा पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि लोग पसंद सबसे नहीं करते ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने डोगरी का जो एसेंट है ना वो ठीक करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करें। आधी हम पंजाबी बीच में बोलते हैं, आधी हम डोगरी बोलते हैं, ये गलत है। तो मतलब असेंगी अस आखने डोगरी च की असेंगी और सानू बोला दे होंदे, सानू मान डोगरी उपर, ते ओ पंजाबी अद्धी ते अद्धी होई असेंगी डोगरी। मैं डोगरी च गल करां, मैं डोगरी बोल सकते हैं, डोगरी मैं गाना लिखा गोरी है आउआ शिंदा फिल्म च, ते मैं प्रॉपर जिहड़े आपको बता दें आउआ शिंदा फिल्म का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हमने कई बार उसके बारे में आपको बताया भी है कि जल्द से जल्द मूवी आने वाली है। तो डीके जी से भी हमारी बातचीत हुई जो उसमें मेन लीड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मेरा गाया हुआ सॉन्ग जो है वो कब आएगा। मुझे सबसे पहले एक सवाल मेरा रहेगा, डीके के साथ काम करके किस तरह से लगा? अरे वाह, डीके भाई जी की एनर्जी इतनी हाई है ना, इतनी हाई पे है कि मतलब वो जहाँ पे आ जाए बाकी सबकी एनर्जी उनकी एनर्जी के मुकाबले छोटी हो जाती है। मतलब बहुत ही एनर्जेटिक बंदे हैं और कभी हार नहीं मानते, बहुत अच्छे उनका जो पैशन है काम के प्रति इतना ज़्यादा है कि उनको आप 10 दिन खाना नहीं दो चलेगा, पर काम उनको दे दो आप, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये हम सभी दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। अंबरे दा चन तुगी दिखी शर्माई गया, रूप रंग दिखी फुलेगी पसीना आई गया, सैले सैले दबड़ुए तेरा इकलिया जाना, इरख परेमिये दे सीने अग लाई गया, सीने अग लाई गया, हो के नचना गाना तेरा, सौ सौ बल खाना तेरा, लख पतलेगी बल पई जंदा जंदा, गोरिये दिखना तेरा के दिखिए असना तेरा, मेरा कड्डिए कले जड़ू ले जंदा। शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, और सभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये मूवी कब आए। इतना प्यारा अगर सॉन्ग है तो आखिर मूवी कितनी अच्छी होगी, इस चीज़ का सभी लोग इंतजार करें। अगर आप ये सॉन्ग सुनना भी चाहते हैं, कई सारे लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो गोरिये सॉन्ग आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और आपको सॉन्ग मिल जाएगा। आप YouTube पे आप सुमन केसर प्रोडक्शन सर्च करें, वहाँ पे ये सॉन्ग हमारा है, और बहुत जल्द चमन लहरी प्रोडक्शन जो कि मेरी अपनी प्रोडक्शन है उस पे आपको मेरे डोगरी गाने मिलेंगे। मैंने उस प्रोडक्शन की शुरुआत की है अभी जस्ट इसी 2021 में, उस पे मेरा गुरु वंदना है, एक सदगुरु प्यारे प्यारे शुरुआत की है, बहुत जल्द उस पे दो डिवोशन ट्रैक आएंगे, उसके बाद डोगरी का बहुत अच्छे अच्छे गाने ऑलमोस्ट उनकी जो डमी है वो दे दी गई है। डोगरी की बात करते हैं, डोगरी तो है ही मीठी बोली, लेकिन उसके अलावा जितने भी और गाने हैं या जितनी भी भाषा है वो भी सबसे अच्छी होती है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने सिंगिंग प्रोफेशन की शुरुआत की किससे अपनी इंस्पिरेशन ली? सबसे पहले मैं जब मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की तो मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं बहुत सुनता था। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने जब बजते थे तो मतलब कई बार मैं स्कूल लेट हो जाता था, कभी किसी दुकान पे कहीं बज रहे हैं, मार्केट में गाने चल रहे हैं, तो पूरा गाना सुनने के चक्कर में मैं कई बार लेट हो जाता था। तो रफ़ी साहब को बिल्कुल बहुत कई बार, तो फिर एक बार मैंने एक बार नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ ना, मैं कहा सर मैं गाना सुन रहा था तो लेट हो गया, तो चलो ठीक है यही दंड
इंसिडेंट है कि वो गाना सुनाओ अब। अच्छा, तो एक बार मैंने सुना दिया मॉर्निंग असेंबली में, फिर मेरी ड्यूटी लगी कि यार तूने सुबह मॉर्निंग असेंबली में कुछ ना कुछ गाना ही गाना है, तो टीचर्स ने मुझे प्रमोट किया कहीं ना कहीं। मुझे लगता है वो अच्छी शुरुआत आपकी वहाँ से, क्योंकि वो कहते हैं जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करें तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं डेली जिस तरह से वो आपने सुना हुआ सॉन्ग नहीं आपको आगे बढ़ाया, तो वो सुना हुआ सॉन्ग हम भी जरूर सुनना चाहेंगे। रफी साहब के इतने ज्यादा गाने हैं और जो मैंने सुने हुए जो आपने स्कूल में सुनाया था वो सुनना चाहेंगे। वो गाना मेरे ख्याल से वो गाना वो था, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। ये गाना है, मुझे ये अभी इतना प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। रफी साहब के और बड़े सारे गाने ऐसे, एक को सुनो तो दूसरा भूल जाता है, इतना उनका हुआ। उसके बाद लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब, इन लोगों को मैं सुन सुन के म्यूजिक के फील्ड में या फिर मैंने प्रॉपरली सीखा। गाना सुना दीजिए। वो गाना है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। ये गाना और बहुत सारे गाने बहुत ही बढ़िया आपने गाया। मुझे बताइए, आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि अपने पैशन को आगे बढ़ाना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिस इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि आज के टाइम पे हर कोई सिंगर बनना चाहता है लेकिन बिना सीखे। जिसकी थोड़ी सी भी आवाज़ अच्छी होती है वो चाहता है कि मैं सिंगर बनूं, बट बिना सीखे किस तरह से ये हो सकता है? आप भी कई सारी जगह गए हैं, आपने कई सारे प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया है, कई ऐसे सिंगर से भी आपका जो है मिलना हुआ होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आपको किस तरह का वैसा? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि सीख कर जो काम करना है ना, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें जब तक उस काम का पता ही नहीं है, सपोज करो मैं ड्राइविंग करता हूँ, मुझे पता नहीं है गाड़ी के जो जो मैकेनिज्म है गाड़ी का वो क्या है, मैं कहीं ऐसी जगह गया हूँ वहाँ गाड़ी मेरी ख़राब हो जाती है ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसको कैसे किया जाए। नॉर्मल फॉल्ट की वजह से भी हम लोग पूरी पूरी रात कहीं खतरे में फंस सकते हैं। वैसे ही म्यूज़िक का अगर हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं जो हम गा रहे हैं वो किस राग में है, क्या उसकी नोटेशन क्या है, उसकी उसका भाव क्या है ना, पता ही नहीं है जब, तो गाएंगे तो वो उसका प्रभाव वैसा होगा, कोई पूछ लेगा अगर तो फिर तो हाथ खड़े हो जाएंगे ना। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं? मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिलता हूँ, हमारे गुरु जी, क्योंकि हम लोग तो सुरीले लोगों को सुनते हैं जो गुरुओं वाले होते हैं ना, कई लोग, हम तो अपनी बात करें तो अगर हम कभी कहते थे ना कि हमारे गुरु नहीं है, हम उसको गाली समझते थे कि हम बेगुरे हैं। तो पता नहीं क्यों आजकल कुछ सिंगर कहते हैं कि हमें हमने सीखा, हमने खुद से सीखा है। भाई अगर आप खुद से सीख रहे हो तो मतलब आप खुद में यूनिवर्सिटी हो क्या? बिना सीखे आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। म्यूज़िक कोई, इट्स नॉट जस्ट अ कप ऑफ टी कि आप पियोगे तो आप सिंगर बन जाओगे, कोई मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन दिया तो ठीक। म्यूज़िक एक साधना है, तपस्या है, एक योग है, एक तरह का ईश्वर से मिलने का बड़ा शॉर्टकट तरीका है, इसको बिना सीखे तो किया ही नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक म्यूज़िक ही है जो स्ट्रेस रिलीज हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि एक म्यूज़िक जो है उसे, जिस तरह से आपने कहा कि हम उसकी साधना करते हैं, उसे पूछते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन सिंगर्स के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी जो भी डिपार्टमेंट, जैसे कोई दूरदर्शन है या हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उनको सबसे पहले एक ऐसा कोई फ्रेम सेट करना चाहिए कि बिना सीखे कोई सिंगर ना गाए। हमें किसी सिंगर से कोई एतराज़ नहीं है, जब कोई बिना सीखे गाएगा तो हमारा जो कल्चर है ना उसका लेवल लो जाएगा, उसका ग्राफ नीचे, क्योंकि सीख कर जो गाएगा वो मतलब उस चीज़ को अपलिफ्ट करेगा, उसका ग्राफ ऊंचा जाएगा। सपोज करो मैं कोई चीज़ गा रहा हूँ तो उसका मैं जो लेवल है वो हायर करके गाऊंगा, अच्छा करूंगा उसको। बिना नॉलेज का कोई करेगा अगर तो हमारे कल्चर का जो रिफ्लेक्शन है वो गलत जाएगा जी। कोई ये बोलेगा कि इनका यही कल्चर है। कितने बिसुरे गाने मैं सुनता हूँ कई बार, डोगरी में कुछ लड़के कर रहे हैं, वो अब वो कह रहे हैं, वो सहानुभूति ले रहे हैं कि हम डोगरी में काम कर रहे हैं, पर वो बिसुरा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं ना, उससे क्या होगा, लेवल डाउन जाएगा। हाँ, लेवल, हाँ, परफेक्शन के साथ करो, हम आपके साथ हैं। और सबसे आपने जो म्यूज़िक की बात करी कि टेंशन डिप्रेशन दूर होता है, म्यूज़िक तो है ही मेडिसन, म्यूज़िक थेरेपी है। अगर आप किसी चिंता में हैं, फिक्र, आपको नींद नहीं आ रही, आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए, आपको नींद आएगी। अगर आप सपोज करो किसी को आप देशभक्ति गाना सुना दो, उसमें जोश भर जाएगा। बिल्कुल। किसी को गज़ल सुना दो, बोलेगा मुझे तो नींद आ रही है ना।
हर म्यूजिक का एक अलग एक प्रभाव होता है, वो फील होता है, उस फील से उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कर्तव्य जो है पेरेंट्स का भी बनता है कि जब उनका बच्चा गाने लगता है तो उसको सीखना सिखाना वो सारा पेरेंट्स का रहता है कि उनका एक गुरु होना चाहिए अगर इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स सिंगिंग प्रोफेशन में सोचते हैं कि इसमें आगे जाके फ्यूचर नहीं है, तो आप बीइंग अ सिंगर आप क्या कहते हैं इसको लेकर? मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैं खुद जिस परिवार से हूँ, हम लोग हमारे परिवार में म्यूज़िक को बड़ा मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था, जैसे कि ये हम लोगों का काम नहीं। मुझे घर से सपोर्ट बहुत कम मिली म्यूज़िक के लिए, लेकिन मैंने फिर भी किया। वो रीज़न क्या थे, मेरे उस्तादों का, मेरे टीचर्स का, मेरे गुरुओं का बहुत मतलब उसमें रहा है रोल रहा है, बिल्कुल हाँ। और हमारे तो सैटरडे को एक कल्चरल प्रोग्राम होता था हमारे स्कूल में, वो मुझे उससे मुझे बहुत बूस्टअप मिला। पेरेंट्स को तो चाहिए कि वो अपने बच्चों को आगे ले जाएं अगर वो म्यूज़िक में करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक किसी भी फील्ड में जो है ना वो स्कोप होता नहीं है, उसको वो क्रिएट किया जाता है। जी, कोई भी एक ऐसा गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, आपके अल्फाजों में वो गाना आ जाता है? बड़े सारे गाने, मैं एक्चुअली सिंगर का तो ऐसा है कि जो सुना वो उसी को गुनगुनाते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई हमारे तो सारे ही फेवरेट होते हैं, जो अच्छे सुरीले गाने हैं वो सारे ही हमारे। कोई आपका पसंदीदा गाना जो हमारे व्यूअर्स देखने वो जरूर सुनना चाहेंगे? डोगरी सुनेंगे कि जो मर्जी सुना दीजिए। डोगरी सुनाते हो, गाना है वो होए होए मिठड़ी ए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़ी है होए होए मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे, दिंदे ने जवाब तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़ी है होए होए मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। बहुत ही बढ़िया आपने गाना गाया, जिस तरह से डोगरी की ही मैंने बात की तो हमने ज़्यादातर डोगरी के ही सॉन्ग गुनगुनाए। क्या एक मैसेज मैं कहूँगी या किस तरह से आप अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाएंगे जो सिंगिंग प्रोफेशन में आना तो चाहते हैं या जो आना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से आप गाइड करेंगे या जो आ चुके हैं उन्हें किस तरह से बताएंगे? मैं खुद एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी गा रहा हूँ, हाँ सीख रहे हैं, ये अलग चीज़ है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, सीखे? एक्चुअली मैं बचपन से ही गाता रहा हूँ, राइट फ्रॉम माय 6th स्टैंडर्ड, यू नो 6th क्लास से ही मैं गा रहा हूँ, लेकिन बिना जाने गाता था। तब कोई गाना सुना उसको एज इट इज़ कॉपी किया और गाना शुरू कर दिया, क्या उसके स्वर हैं, क्या राग है, क्या नोटेशन है, मुझे कुछ पता नहीं होता था। फिर मैंने 2010 आई थिंक तब से मैंने फिर प्रॉपरली उसको सीखना शुरू किया गुरुओं के पास, उस्तादों के पास। पहले रिदम सीखा मैंने, सीख भी रहे हैं, उसके बाद फिर म्यूज़िक सीखना शुरू किया और स्टिल आई एम लर्निंग म्यूज़िक। अमृतसर से सीख रहा हूँ, पंजाब से सीख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मैंने जहाँ से मुझे कुछ मिला सीखने के लिए मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। जो म्यूज़िक में अभी आ रहे हैं जो सिंगर्स, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सलाह नहीं दूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप म्यूज़िक के फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप उसको प्रॉपरली सीख कर करो। आप जब सीख कर करेंगे पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, और आप जब वो सक्सेस आपको मिलेगी फिर आप वहीं पे बने रहोगे, है ना। बिना सीखे कोई अगर एकदम सक्सेस उसको मिलती है अगर, तो फिर वो एकदम चला जाता है नीचे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपका कोई पैशन है उसे आप आगे ले जाना चाहते हो, सीख कर करें। लेकिन सीख कर, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से कहा कि अपने पैशन को तो आगे लेकर बढ़े, लेकिन उसकी पूरी जानकारी जो है आप सभी को होना चाहिए। अंत में हम इनसे फिर से एक सॉन्ग सुनेंगे, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो जरूर सुनना चाहेंगे। आपके हमारे माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कोई भी सॉन्ग उन्होंने बना दीजिए। अच्छा पंजाबी गाना सुनाता हूँ आपको। तू सजना रब दे ना वरगा ते आंदे जांदे सावरगा, तू सजना रब दे ना वरगा ते आंदे जांदे सावरगा, तेनू पौन लई असी वे सजना, तेनू पौन लई असी वे सजना, कर की नहीं सकदे तेरे बिन मरता सकदे आ, तेरे बिन जी नहीं सकदे, तेरे बिन मरता सकदे आ, तेरे बिन जी नहीं सकदे ओ। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गाया। अगले हफ्ते फिर हम आपको नई शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जनरल अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।